हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हम लोग उठ चुके हैं, मे बी 8 बज गए होंगे, लेकिन हम उठ चुके हैं। आज हम रोज से बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा है, मतलब मैंने ये सोचा है कि अब से रात को जल्दी सोएंगे, रात को समय वेस्ट नहीं करेंगे और सुबह जल्दी उठ के टाइम वेस्ट करेंगे। वो अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी फिर अंकिता की कोई हेल्प कर सकता हूँ, है ना, और नींद भी पूरी हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या था, हम लोग सोते थे रात को 1 बजे तक और बेबी हमारा जल्दी उठ जाता था और फिर बेबी हमको भी उठा देता था, तो हमारी नींद पूरी नहीं होती थी। तो अब हम जल्दी सो रहे हैं तो हमारी नींद पूरी होती है। और आज, हाँ आज बेबी सो रहा है, आज हमारा बेबी सो रहा है। कमाल की बात ही है। टाइम पे उठ जाए, काम वाम कर ले, है ना, मेरे लिए पैसे कमा ले। बाकी मैं बड़ा पाव खाऊंगा, मेरे को बर्गर खाना। अब मेरे सोने का टाइम है। सो गाइस, सुबह सुबह नाश्ते में बन रही है यहाँ पे चाय और यहाँ पे बन रहा है मेथी के पराठे। नहीं सुनो ना, तुमने बिस्तर समेटने को बोला था, मैंने बिस्तर समेट दिया, ना ही वहां से उठाया ना ही कुछ और। तो चला दे ये देखो यहाँ पे। समेट मैंने भी दिया, देखे से रुका ही नहीं जा रहा था। और एक और चीज, पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगा हमारे पिछले कुछ दिनों में हमने जो ब्लॉग किया उसकी। सीन ऐसा हो गया था कि हम लोग बीमार थे, मैं और अंकिता, और बेबी भी बीमार था, हम तीनों बीमार थे। तो बीमारी में ना तो हमारी हालत थी, ना ही कुछ और काम हो पा रहा था। और फिर ब्लॉग करना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग क्लिप्स तो बना रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एडिट करना और फिर उसको डालना वो सब मेरे से हो नहीं पा रहा था। हालत बहुत ही खराब थी, मैं 2-3 दिन ऑफिस भी नहीं गया इस चक्कर। और बेबी अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, अंकिता को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, फीवर भी इसको तेज है। अंकिता इस हालत में भी बेबी का ध्यान रख रही है, खुद का छोड़ कर। माएँ कमाल होती हैं यार। अभी अभी घर से फ़ोन आया है, मम्मी से बात हुई है, मम्मी इस कोरोना पॉजिटिव, बेबी को सफोकेशन हो सकता है, नाक बंद उसका, तो हो सकता है उसको सफोकेशन हो जाए, वो ब्रेथ नहीं ले पाए, तो हमें से एक को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया है कि सुबह 4 बजे तक मैं जागूंगा और मैं हर 10 मिनट में चेक करता रहूँगा बेबी को कि वो बराबर ब्रीदिंग कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद मैं अंकिता को उठा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग, और हम तीन बीमारों के व्लॉग में आपका स्वागत है। और हमारी तरफ से वेरी हैप्पी 26 जनवरी। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे, आज 26 जनवरी है। बेटू मेरा बीमार है, थोड़ा डल हो रहा है। अंकिता यहाँ पे बेबी को कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही है लेकिन बेबी मान नहीं रहा, आधे कपड़े पहन रखे, हाथ नंगा पड़ा है और बहुत रो रहा है। अंकिता बेचारी, मेरे को बहुत दया आती है तेरे पे, लगी हुई है, बस कोशिश कर रही है। और बेबी अभी बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है थोड़ी देर। एक्चुअली मैं यहाँ पे नीचे सोता हूँ, आप लोगों को पता ही है वो मेरा बिस्तर है, एक्चुअली वो दीवान पे पड़ा रहता है, अब उसको उठा के वापस लगा देते हैं जगह पे। स्वेटर की शम्मत इस स्वेटर को पकड़ पकड़ के पता कहाँ तक ले जाएगा। ये देख, ये लड़का अभी ऑफिस से आया है और अपना टिफिन अब खा रहा है। लंच में टाइम नहीं मिलता क्या, मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिला। ज्यादातर ऐसे ही होता है। ये छोटू का खिलौना, ये छोटू का पिल्लू, ये मेरा रिमोट, ये छोटू की मिटन्स, ये छोटू का डायपर, ये मेरा घर की धूल नहीं है, सुबह लक्ष्मीपुर वो मेरा तौलिया है जो मैं सुखा नहीं पाई हूँ अभी तक, और ये मैंने नई सीरीज चालू करी है ऑल ऑफ अस आर डेड ऑन नेटफ्लिक्स, और मैं शायद थोड़ी ठीक लगने लग गई क्योंकि मैंने अपर लिप और आईब्रो बना लिए हैं, तो थोड़ा सा फर्क तो आता ही। एक्चुअली मुझे अभी है ना खांसना भी बाथरूम में आके पड़ रहा है क्योंकि जब मैं खांसता हूँ तो उसकी अचानक जो आवाज़ होती है उससे बेबी उठ जाता है, बाकी उसको नॉर्मल आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी एक्चुअली मुझे खांसी पिछले 3-4 दिन से हो रही है, अभी आपने पिछले वीडियोज़ में मतलब अभी देख लिया होगा कि हम लोग काफ़ी बीमार थे, और अभी मुझे मतलब मेरी खांसी के साथ में साथ में ब्लड आ रहा है, तो मतलब ये होता ही है जब मुझे खांसी होती है तो ब्लड आने लग जाता है, और मैंने कभी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं ये चीज़, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उसको दिखा लूँ। मेरा छोटा सा बच्चा सो रहा है यहाँ पे, मैं अपना काम कर रहा हूँ लैपटॉप में और वहाँ एक जॉम्बी वाला सीरियल चल रहा है, अगर आप लोगों को उसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। कपड़े लेके आ गई है।
सो गाइस, फाइनली जो ये डब्बे हम लोग लाए थे, ये अंकिता काम में लेने जा रही है। ये डब्बे मैं डीमार्ट से लाया था अंकिता की जिद पे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा काम में आने वाला है। दूसरा डब्बा का है, इसका एक और डब्बा था, ये पुराना है, ये वो नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बहुत पुराना है, मेरे हॉस्टल टाइम का मेरे पास रहता है। अच्छा, यूज कर ली पहले, सारे कर लिए? हां। अच्छा, तो एक तो डायपर का हो गया। अच्छा, इसमें लगाने की कोशिश कर रही है।